नगरी आने को जी चाहता है, सीताराम गाने को जी चाहता है, सीताराम गाने को जी चाहता है। राम जी की नगरी में सरयू महारानी, राम जी की नगरी में सरयू महारानी, सरजू महारानी माँ सरयू महारानी। अरे गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता। इससे प्यारा, इससे अद्भुत आगाज और क्या हो सकता है कि सरयू में गोता लगाने को जी चाहता है। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है, राम भक्ति में सराबोर हो चुकी है। और जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है, वो अलौकिक है, और उसे शब्दों में पिरोकर बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। यकीन मानिए, अयोध्या में आकर मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि शब्दों में उसे पिरोकर आप तक पहुँचाना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन उन्हीं अनुभव को, उन्हीं को शब्दों में पिरोकर आपको बताएंगे अयोध्या के बारे में। कैसे तैयार हो रही है अयोध्या, क्या तैयारियां की जा रही है अयोध्या में, और अयोध्या आने वाले समय में राम के लिए कैसी बनकर तैयार होगी। कई संत मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं, कई महाराज हैं मेरे साथ यहां पर, हमारे साथ यहां मंडली मौजूद है जो आपको राम रस में सराबोर कर रखेगी। आप बने रहिएगा न्यूज नेशन के साथ। जय सिया राम। राम जी की नगरी में कनक भवन है जी, कनक भवन है, भवन है जी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को चाहता है। मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशि, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, सबसे पहले तो शुरुआत आप ही से करते हुए, जय सिया राम। जय सिया राम। मन में क्या चल रहा है कि जब वो घड़ी नजदीक आ रही है जब अपने राम लला को टाट से उनके ठाट में हम वापस देखेंगे? मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी करपात्री जी अयोध्या से बोल रहा हूँ। इस वक्त का समय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उत्साहजनक है, और सबसे बड़ा उत्साह तो सरजू जी में है। आप देखें, सरजू इधर से यहाँ तक आ रही हैं, फिर ऐसे घूम जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि 22 जनवरी को रामला दर्शन करने के लिए सरजू जी उतावली हैं, चंद्राकार में यहाँ से आ रही हैं। आप दृश्य देखिए, उधर से आ रही हैं, यहाँ जा रही हैं, फिर उधर घूम जा रही हैं। ऐसा लग रहा सरजू जी कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, अवो उत्तर दिशि बह सरजू पावन। 22 मतलब होता है, बा मतलब है, इस मतलब ब्रह्म। इस नाते तिथि क्या है? बा इस 22, बा मतलब ब्रह्म होता है, बा मतलब उपस्थित है, प्रेजेंट है, इस मतलब ब्रह्म। जहाँ ब्रह्म उपस्थित हो वह तिथि है बा इस, और उसके बाद जनवरी है, यानी जन जन में सब में राम जाएंगे, कोई बरी नहीं हो पाएगा, कोई बचेगा नहीं। जनवरी जन जन में राम जी व्याप्त होंगे, कोई बरी नहीं हो पाएगा। बा मतलब ब्रह्म, बा मतलब है, इस मतलब ब्रह्म, ब्रह्म है, इस नाते 22 है। जनवरी मतलब कोई जन जन सब में राम जी जाएंगे आएंगे, क्योंकि राम जी क्या हैं कि जगत पिता सब राम बखाना, जगत पिता, राम जी जगत के पिता हैं। बड़ी खुशी की ये बात है, कभी ये लोग अच्छा गीत गाते हैं कि बड़ा नीक लागे राघव तोरा गऊँगा, मुझे अच्छा लगता है। उसमें ये भी जोड़ दें कि बड़ा नीक लागे राघव तोरा गऊँगा, उन्हों से नीक लागे मोदी जोगी तोरा नऊआ, बड़ा नीक लागे। यानी मोदी जोगी
यानी मनु शत्रुपा के द्वारा, मनुज के द्वारा ये अयोध्या बसाई गई थी। उसके बाद विक्रमादित्य ने बसाया था। अब उसके बाद तीसरी बार अयोध्या में बसाने का जो काम कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं। हम योगी जी के सखा हैं, बाल सखा हैं, एक साथ रहे हैं। मुझे वो दृश्य याद आ रहा है कि जब एक पाँव आदित्यनाथ का मैं दबाता था, एक पाँव आदित्यनाथ का योगी दबाते थे, तो दोनों जो महाराज जी अवैधनाथ जी का हाथ हम दोनों पुत्रों के माथे पर जाता था, उनके आंख सुमासु आया, का हो करपात्री, का हो जोगी, कबो अयोध्या में राम जन्मभूमि बन जाई, तो हम लोग रो करके कहते थे कि हाँ महाराज जी बन जाएगा, निश्चित बन जाएगा। वो हाथ पर मस्तक पर हाथ तक कहते थे बेटा हमारा आशीर्वाद है, अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि बन जाएगा तो तुम लोगों के आँख से मैं भी राम जन्मभूमि बनता हुआ देख लूंगा। वो दृश्य भी मुझे याद है।